सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। लोगों ने साथ नहीं दिया तो अफसोस मत करना, ख्वाब आपके हैं तो कोशिश भी आपकी होनी चाहिए, भरोसा ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वो ही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे। बहुत ही आसान है जमी पर मकान बना लेना, दिल में जगह बनाने में जिंदगी गुजर जाती है। आज का पंचांग 4 सितंबर 2021 दिन शनिवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 8:24 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुष्य नामक नक्षत्र सुबह 8:24 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:19 से 10:52 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। सिंह राशि 4 सितंबर 2021 दिन शनिवार, बौद्धिक लक्ष्य इस समय आपको आकर्षित कर रहा है। यह स्कूल वापस जाकर कुछ नया सीखने का वक्त हो सकता है। यात्रा करने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। कानूनी मामलों को व्यवस्थित करें और आध्यात्मिक मामलों के लिए समय निकालें। पिता जैसा कोई आपके जीवन में मुख्य भूमिका निभाएगा। असामाजिक कामों के लिए समय निकालें। किसी बड़ी परियोजना या व्यावसायिक प्रस्ताव की योजना को अंतिम रूप देने से बचें। व्यस्त जीवन में अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। आज आपके लिए वित्तीय मामले ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होंगे। पहले से ही योजना बनाना न केवल सफलता की नींव रखता है बल्कि आपको आत्मविश्वास भी प्रदान करता है। आज का दिन भाग उदयदायक है। आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे सफलता कदम चूमेगी। दौड़ धूप तो अधिक रहेगी परंतु कार्य की सफलता आपकी थकान को दूर कर देगी। प्रॉपर्टी संबंधित काम संपन्न होंगे तथा अनुभवी व्यक्तियों का साथ मिलेगा। आपके आसपास बढ़ता हुआ कंपटीशन आपके लिए चिंता का कारण बन सकता है। परिवार के लोगों के द्वारा मिल रही टिप्पणी की वजह से भी आपके अंदर अकेलापन बढ़ेगा। हर एक बात में खुद को सही साबित करने की जीत आपके लिए नए प्रश्न उत्पन्न कर रही है। लोगों को अपने जीवन से संबंधित हर एक बात की जानकारी देना आवश्यक नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखें और अपने कार्यों का अपनी क्षमता के अनुसार करते रहें। पारिवारिक व्यापार को आगे बढ़ाना आपको मुश्किल लग सकता है। यदि किसी नए अवसर की खोज आपको है तो इस बात की जानकारी परिवार के लोगों को तुरंत दें। सावधानियां, अपने अहम पर अंकुश लगाकर रखें। बच्चों को पढ़ाई के प्रति आलस आएगा और मन में थकावट भी रह सकता है। घर के बड़े बुजुर्गों की मान सम्मान का ध्यान रखें, अन्यथा उनकी नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। जीवन साथी से पूरी मदद मिलेगी। अपने साथी से दूरियों को और जीवन को गुलाबी बनाने के लिए आपकी पहल की आवश्यकता, तो आगे बढ़कर इन सपनों को हकीकत में बदल ले। किसी दुर्घटना या हानि की भी संभावना है। आज का दिन आपके लिए अच्छा है क्योंकि आज आप जीवन से पूरी तरह से संतुष्ट महसूस करेंगे। आप अब जिंदगी में बड़ी योजनाएं बनाने और रिस्क लेने के बारे में सोचेंगे। यही नहीं, आप लव लाइफ के लिए भी कुछ बड़ा विचार करेंगे। याद रखें, रिश्ता वही सफल है जिनमें दोनों के बीच में स्पष्ट और सच्ची बातचीत हो। बात करते हैं करियर की। आज आपके मालिक या अधिकारी आप पर पूरी तरह से मेहरबान है जिससे आपको प्रशंसा और इनाम मिलने की संभावना है। धन मिलने में देरी के कारण आपको लेन देन में नुकसान होगा। कानूनी मामलों में जीत मिलेगी। अपने आप के बारे में जानना आपकी आज प्राथमिकता रहेगी। कुछ समय सामाजिक कार्यों में भी बिताएं। महीने के अन्य दिनों की तरह आज धन संबंधित मामले आपके लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं है। अपनी योजनाओं की शुरुआत सोच समझ कर करें। भविष्य के बारे में पहले से ही जीवन की मजबूत नींव तैयार करता है।
बात करते हैं सेहत, जोड़ों के दर्द या नसों में खिंचाव संबंधित परेशानी रहेगी। व्यायाम के लिए भी कुछ समय अवश्य निकालें। घुटने और जोड़ों का दर्द तकलीफदायक होगा। आज का उपाय, आज अब शनि भगवान जी की पूजा आराधना करें शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।